हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके काम आने वाला है। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉसेस हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करूं या नहीं करूं, तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, टाइम हो तभी वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर एक दो मिनट के बाद वीडियो स्किप करने वाले हैं, सोचने वाले हैं क्योंकि कोई तुरुपका इक्का मिल जाएगा, तो वो तुरुपका इक्का आपको स्टॉक मार्केट में कभी कोई हेल्प नहीं करने वाला। अपनी जिंदगी के 5-7 मिनट इस वीडियो को दे दीजिए, शायद ट्रेडिंग करने की डिसिप्लिन आप में आ जाए, ट्रेडिंग करने की आपकी आदतें सुधर जाए। ये वीडियो मैं सिर्फ एक मकसद से बना रहा हूँ, ताकि आपको एक अच्छा इंट्राडे ट्रेडर बनने में मदद कर सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपुल है। आप पहले ये समझिए कि इंट्राडे ट्रेडर होता कौन है। हम लोग किसी के कहने से स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, हमें ट्रेड करना पसंद होता है, हमें लगता है कि हम आसानी से ट्रेड डालेंगे, एक डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट ही खोलना है, थोड़ा सा पैसा डालना है, टिप्स मिल जाएंगी, कोई ना कोई बता ही देगा कि निफ्टी कैसे लेनी है, बैंक निफ्टी कैसे लेनी है, बहुत सारे वीडियो मिल ही जाएंगे, या हमारा ब्रोकर ही हमें मैसेज फ्लैश कर देगा कि आज हमारे ये लेवल्स हैं, ये है वो है, किसी न किसी तरीके से हम ट्रेड करना सीख ही जाएंगे। पर उसके बाद असली ट्विस्ट जब आता है, जब पहली बार आपको लॉस होता है और उस लॉस को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में फिर से लॉसेस होते रहते हैं। एक इंट्राडे ट्रेडर होता कौन है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। इंट्राडे ट्रेडर है जो सुबह मार्केट जब 9:15 बजे खुलती है और 3:30 बजे बंद होती है, उसके दौरान फुल फोकस्ड होकर मार्केट के बीच में रहता है। क्या आप पूरे टाइम मार्केट में रहते हैं? क्या आप 9:15 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक आप पूरा मार्केट को देखते हैं, या मार्केट बंद होने के बाद में जो डेटा एनएससी देती है कि आज एफआईज ने क्या किया, आरडीआईज ने क्या किया, कैसे डिलीवरी पोजीशन उठी, कैसे ट्रेड रहे, कैसा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, वो डेटा पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, क्या वो सब देखते हैं? नहीं, 99% मैं गारंटी दे सकता हूं, बेट लगा सकता हूं कि आप नहीं देखते होंगे। उसकी वजह क्या है? या तो आप जॉब करते हैं, या आपका कोई ऐसा व्यवसाय है, ऐसा प्रोफेशन में आप हैं कि आपको पूरा टाइम मार्केट देखने को मिलता ही नहीं, या फिर आपने सोचा था कि इस मार्केट को पार्ट टाइम इनकम के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा, पैसिव इनकम बनाने के लिए। दोस्तों आप समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा रूल है, गोल्डन रूल आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मान लीजिए जो भी आप जॉब करते हैं, जो भी बिजनेस आप करते हैं, मुझे वो बिजनेस नहीं करना आता, मैं स्टॉक मार्केट अच्छे से जानता हूं, आप स्टॉक मार्केट नहीं आते, आप शायद डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं। सपोज कीजिए कि आप एक इंजीनियर हैं, आप इंजीनियरिंग प्रोफाइल में हैं और मैं स्टॉक मार्केट का ट्रेडर हूं। मुझे किसी ने बताया कि आप इनके पास जाइए, ये ऐसी छोटी छोटी मशीन्स बनाते हैं जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, मतलब 1-4 बनाने की मशीन बन जाती है, मतलब आप 100 रुपये लगाइए और 400 रुपये मार्केट में बिक जाती है या 600 बिक जाती है, मार्जिन बहुत हाई है। दोस्तों कहीं ना कहीं से R&D करके मैं उसका मटेरियल ले आऊँगा, मार्केट चला जाऊँगा, थोड़ा बहुत सीख भी लूँगा कुछ वीडियोज़ को देख के। तो क्या मैं आपकी तरह उतना एक्यूरेट वो मशीन बना पाऊँगा? अगर मैंने बना भी दी तो क्या उसको मार्केट कर पाऊँगा, क्या मैं उसका इस्तेमाल कर पाऊंगा? नहीं। ये सवाल आपके हैं, जवाब भी आपका ही होना चाहिए, अपने आप से पूछिए। ऐसे ही किसी के भी कह देने से, किसी के भी बता देने से कि उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस देख लो, या उसकी आप ट्रेडिंग स्टाइल देख लो, उसकी स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर लो, तो आप भी ट्रेडर बन जाओगे? नहीं, आप आधे ज्ञान के साथ कभी भी एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको स्टॉक मार्केट में पूरा टाइम देना ही होगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर का मतलब है पूरा इंट्राडे, पूरे टाइम उस दिन के पूरी हालात को वो देख रहा है, क्या न्यूज़ आ रही हैं, कैसा डेटा पॉइंट्स हैं, कैसी वॉल्यूम एनालिसिस है, आपके इंडिकेटर्स अगर आप यूज करते हैं, RSI क्या बोल रही है, MACD क्या बोल रहा है, या जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी आपने स्टडी किया है, जिसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस है, आपका चार्ट सेटअप क्या बोल रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप नौकरी करते हैं, एक बार आपने देख लिया 5 मिनट के लिए, फिर आप बॉस के पास चले गए, अपना काम करने में लगे, आपको लगता है मैं ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूं, नहीं होगा। जब तक नहीं हुआ, जब तक आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस ना कर लें कि आप आंख बंद करके अपने लेवल्स के साथ काम करें। दोस्तों इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद में मुझे आज काम करना क्यों आता है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे डेटा पॉइंट्स क्या बोलते हैं, मुझे मालूम है मैंने कहां से ब्रेकआउट लेना है, कहां से ब्रेकडाउन लेना है, मैं ब्रेकआउट पॉइंट्स पे काम करता हूं, ब्रेकडाउन पॉइंट्स पे काम करता हूं। क्या आपको वो करना आता है? सबसे पहली चीज़ क्या होगी, सबसे पहली चीज़ होगी स्टॉक सिलेक्शन। एक अच्छा स्टॉक सिलेक्शन करना सीखिए। स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद में आप उस स्टॉक को वेरीफाई कीजिए कि उस स्टॉक का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल कहाँ से आएगा। अगर आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फाइंड करने में कामयाब हो गए, तो दोस्तों आपका 90% काम खत्म हो गया, समझ लीजिए। क्योंकि जब स्टॉक ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन, मतलब ब्रेकआउट क्या होगा, एक ऐसा प्राइस जिसके ऊपर बाजार भाग जाएगा, स्टॉक भाग जाएगा, उसका प्राइस बहुत तेजी से स्विंग ट्रेड दे देगा आपको, या ब्रेकडाउन प्राइस ऐसा होगा जिसके बाद जैसे ही टूटेगा एक
शार्प फॉल उसके अंदर आ सकती है और उसको बाजार एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो जो ब्रेकडाउन का लेवल था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, स्टॉक वापस उस प्राइस को ऊपर की तरफ नहीं काटेगा। बहुत दम चाहिए, बहुत वॉल्यूम चाहिए, बहुत ताकत चाहिए उस प्राइस को तोड़ने के लिए। तो अगर पहले आपने स्टॉक ढूंढ लिया नंबर वन, नंबर टू आपने उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एनालिसिस कर लिया, अगर आपको करना आता है ठीक है, नहीं तो आप हमारे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको ब्रेकडाउन लेवल दे देता है वो, उसका फ्री ट्रायल चल रहा है एक हफ्ते का, आपको लेना है तो आप वेबसाइट पर जाइए, उसका वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएगा, इस वीडियो के अंत में भी आपको उसका टाइटल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो लकीर के फकीर होते हैं। सुना है आपने लकीर के फकीर, मतलब वो एक डिसिप्लिन को तोड़ते नहीं हैं, बार बार स्ट्रेटजीज बदलते नहीं हैं, बार बार अपने इंडिकेटर्स नहीं बदलते, पूरी टेस्टिंग करने के बाद, पूरी बैक टेस्टिंग करने के बाद, पैसा डिप्लॉय करने के बाद, वो अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर ही काम करते हैं। आपको मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजी अगर वो 60% भी काम करती है, अगर वो 40% भी काम करती है, अगर आपने रिस्क रिवार्ड रेशो तय किया है और आप उस पर डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेटजी भी आपको प्रॉफिट देगी, 100% देगी। जाके अपनी एक्सेल में कैलकुलेशन कर लीजिए, देख लीजिए बैक टेस्टिंग करके कि 40% की सक्सेस रेशो वाली कोई सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी, चाहे वो एक सिंपल मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हो, वो भी पैसा देगी। बट होता क्या है, जैसे ही पहली बार आपको लॉस लगता है, आप बाहर हो जाते हैं, आप नया इंडिकेटर ढूंढते हैं। इंडिकेटर कहां पैसा बना के देंगे? अगर आपको लगता है किसी के पास इतना रामबाण इंडिकेटर होता कि वो हमेशा पैसा अपने आप बना के देता, तो कोई भी बना लेता। नहीं, आपके ट्रेड के साथ में दिमाग लगता है, ट्रेड के साथ में आपकी हार्ट बीट जाती है, ट्रेड के साथ आपके इमोशंस होते हैं, और जिस दिन आप अपने इमोशंस, ग्रीड एंड फियर पे काबू पा लेंगे दोस्तों, आप एक अच्छे इंट्राडे ट्रेडर बन जाएंगे। चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, एजुकेशन, नॉलेज। आपको इस मार्केट की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर जब MBBS की पढ़ाई कर रहा होता है, जब तक उसको डाइसेक्शन नहीं सिखाया जाता, जब तक उसको चीर फाड़ नहीं सिखाई जाती, वो कभी भी ऑपरेशन करने के लायक नहीं बनता। एक किताबी डॉक्टर का होना एक सर्जन के होने में बहुत डिफरेंस है। एक सर्जन भी एक डॉक्टर होता है, बट एक डॉक्टर सर्जन जब बनता है, जब वो सर्जरी सीखता है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर तो बन सकते हैं। आपने सपोज कीजिए रिलायंस लिया एग्जांपल के तौर पे, आपने निवेश किया उसमें, इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी जा सकती है, खराब भी हो सकती है, अच्छी भी जा सकती है। अगर आपने फंडामेंटल्स को अच्छे से देखा है, लॉन्ग टर्म होराइजन देखा है, आपको पता है कंपनी क्या करने वाली है, 10 साल में क्या होगा, 20 साल में क्या होगा, 5 साल में क्या होगा, उसके हिसाब से अगर आप काम कर रहे हो, तो आप एक इन्वेस्टर हो सकते हैं, आप ट्रेडर नहीं बने
होगा कि मार्केट कैसे चलता है, आपको प्राइस एक्शन को समझना होगा, आपको डेटा पॉइंट्स को समझना होगा, आपको ऑप्शन चेन को समझना होगा, उसके बाद अपने सेटअप को बना के उस पर लकीर के फकीर बन जाना है। दोस्तों ये बता रहा हूं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो पूरे दिन ट्रेड डालते हैं, वो एक स्टॉक को पकड़ लेते हैं, उसी के पीछे काम करते हैं, एक नहीं होगा साथ साथ दो स्टॉक होंगे, तीन स्टॉक होंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अच्छे धुरंधर मंझे हुए प्रोफेशनल ट्रेडर एक इंडेक्स, एक स्टॉक या एक अंडरलाइन पे काम करते हैं। अगर वो निफ्टी में काम करते हैं, निफ्टी के बाहर कुछ देखते नहीं है। बैंक निफ्टी पसंद है तो बैंक निफ्टी के अलावा कुछ भी नहीं देखते, क्योंकि जब आप एक स्टॉक को फॉलो करते हैं तो उसका पूरा प्राइस एक्शन आपके यहां आ जाता है। आपको पता रहता है कि उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां थे, 15 मिनट का सपोर्ट कहां लेता है, एक घंटे में सपोर्ट कहां लेता है, वन डे का सपोर्ट क्या है, वीकली सपोर्ट क्या है, मंथली सपोर्ट क्या है, सब दिमाग में छप जाते हैं, पूरी चाल आपके समझ में आ जाती है। और जब वो लेवल्स, जब वो इंडिकेटर्स आपके दिमाग में छप जाएंगे, उस दिन आप बनेंगे प्रोफेशनल ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर। दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है, टाइम नहीं है, तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। प्रोफेशनल ट्रेडर एक प्रोफेशन है, पहला वर्ड है प्रोफेशनल, प्रोफेशन है वो उसका, वो वही करता है सारा पैसा, उसने उसमें निवेश किया, इन्वेस्ट किया है, उसमें वो ट्रेडिंग करता है, धंधा है उसका, वो उसमें डेडिकेटेड है, डिवोटेड है। पर अगर आप सोचते हैं कि दो नाव में पैर रख लेंगे तो एक नाव में भी आप नहीं बच पाएंगे, डूबना तय है दोस्तों। तो आपको तय करना है कि आप स्विंग ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, या इंट्राडे ट्रेडर हैं, या हार्डकोर प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। आप जो भी बनना चाहते हैं, पहले अपनी कैटेगरी को तय कीजिए, उसके बाद अपने डिसिप्लिन को तय कीजिए, और बस उसके बाद कुछ नहीं, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, रूल्स बना लिए, मनी मैनेजमेंट कर ली, स्टॉक सिलेक्शन हो गया, डेटा पॉइंट्स पढ़ लिए और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। तो सीखने के लिए हमारी क्लासेस होती रहती हैं पूरे इंडिया में। अभी लॉकडाउन के समय पे कोई क्लासेस कभी नहीं हो रही है, ऑनलाइन में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सबके इंटरनेट की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है, किसी ने किसी का इंटरनेट कनेक्शन टूटेगा और बार बार क्लासेस को रिपीट करना बहुत मुश्किल है। तो जब क्लासेस ऑन होंगी, जब आपसे मिलेंगे, आपके शहर में रूबरू होंगे, तब तक आप वीडियोज देखिए, चैनल पर जाइए, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जितना हो सकता है आपको देने की कोशिश करूंगा। और जब तक आप नहीं सीख पा रहे हैं दोस्तों, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर की वीडियोस आपके चैनल पे मिल जाएंगी, जाइए देखिए, उसके हिसाब से अपने लेवल्स निकालिए, अपनी एनालिसिस से मैच कीजिए, एंजॉय कीजिए। आई होप आपकी ट्रेडिंग आसान हो। विश यू ऑल द बेस्ट।